नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कपड़ों को रंगने वाले केमिकल से हिंडन नदी दूषित, ऐसी कंपनी नोएडा में धरने से चल रही है। कंपनियों से निकलने वाले दूषित पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। जल प्रदूषित होने से हिंडन नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। नोएडा सेक्टर 63 चोटपुर कॉलोनी में कपड़ों की रंगाई बनी कंपनी और पहुंची न्यूज 9 भारत की टीम। मौके पर उपस्थित कंपनी की कर्मचारी ने बताया कि पिछले 4 महीने से ये कंपनी चल रही है। उन्होंने माना केमिकल वाले पानी से नदी दूषित हो रही है। कर्मचारी एजाज ने बताया जल्दी ये फर्म यहाँ से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी जाएगी। सरकार, पुलिस प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी को इस तरह की गतिविधि को रोकना चाहिए। न्यूज 9 भारत के लिए नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। उसका दिखा तो इसका हम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं प्रदीप शर्मा आज आया हूँ नोएडा के सेक्टर 63 में। कुछ केमिकल कंपनियां जो कपड़ों को रंगने का काम करती हैं उसके सिलसिले में एक कंप्लेंट पर हम पहुंचे हैं, जहां पर कहा गया है कि पानी कपड़ों को रंगने के बाद केमिकल पानी सीधा मेरे पीछे देख सकते हैं नदी में जाता है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं एक मौके पर पहुँचा हूँ, जो कंपनी के ऑनर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। नाम बताएं अपना। इजाज। कौन मालिक है कंपनी का? मैं। क्या काम होता है अंदर? अंदर वाशिंग का काम है। ठीक है, तो अभी कितने दिनों से काम हो रहा है? यही 3-4 महीने। 3-4 महीने से। और जैसे लोगों ने कंप्लेंट की है कि केमिकल होता है नदी के अंदर जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना है? केमिकल नहीं होता है, सिर्फ वाशिंग में सॉप वाश करते हैं हम, जो कलर हो के कंपनी से ऑलरेडी आते हैं उनको वाश करके तरीके से फैला देते हैं। सिलिकॉन फिक्सिंग वगैरह जो भी लगाना होता है मुझे लगा। ठीक है, बात करने में बताया गया कि केमिकल का यूज़ कम ना के बराबर किया जा रहा है। ऑलरेडी कपड़ा केमिकल युक्त होकर आता है, यहाँ पर वॉश किया जाता है, उसका काम छोटा सा काम इन्होंने यहाँ डाला हुआ है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं, कुछ बंद है, क्या कहना है? मछली से मशीनें भी बंद पड़ी हैं, क्या कहना है? सर, काम नहीं है ना मार्केट में, इसकी वजह से बंद पड़ी है मशीनें, तो सिर्फ हाथ का काम हो रहा है। हाथ का काम हो रहा है। हाँ। तो रेजिडेंशियल एरिया है, कैसे चलेगा काम ये? सर आप तो आगे इसको या जारी रखेंगे या स्विच कर जाएंगे ऐसे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बंद होना चाहिए। स्विच कर जाएंगे सर। ठीक है, तो एजाज आपका नाम है, और कौन देखते हैं इस कंपनी को? बस मैं ही देखता हूँ। ठीक है, मेरे साथ एजाज हैं, उन्होंने बताया छोटी सी फर्म कपड़ों की, इन्होंने रंगा धुलाई के काम ये बता रहे हैं, उसमें रंगाई का नहीं बता रहे हैं। तो जो भी केमिकल युक्त पानी नदी में जा रहा है उसको कंप्लेंट को लेकर हम यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि जल्दी इस फर्म को बंद कर दिया जाएगा या फिर स्विच कर दिया जाएगा ऐसे एरिया में जो खुला हो, जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया ना हो और वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। कैमरामैन दीपक यादव के साथ मैं नोएडा से। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।